हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आशा करते हैं आप सब अच्छे भले होंगे, आपके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होगा। तो आज आप लोगों के बीच में कुल देवी एवं कुल देवता की साधना एवं उनके प्रसन्नता हेतु कुछ विधि और विधान लेकर आए हैं और साथ में मंत्र भी, ठीक है। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि आप दुनिया भर के किसी मंदिर में मत जाइए, बस अपने कुल देवी देवता की पूजा निरंतर कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, समय से कीजिए, नियम से कीजिए। आपको दुनिया में किसी के पास आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कुल देवी देवता खुद ही इतने समर्थवान हैं, खुद ही इतने उनके अंदर क्षमताएँ हैं कि आपके लिए दुनिया भर की चीज़ें वो खुद लाकर आपको दे सकते हैं। खुद आपके लिए वो इतने समर्थशाली हैं कि आपको कहीं न जाने की आवश्यकता पड़े, वो खुद आपको हर एक चीज़ों की ज़रूरतें आपकी पूरी कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। फिलहाल चलते हैं अपनी विधि एवं साधना की तरफ। तो कुल देवी एवं कुल देवता को प्रसन्नता हेतु पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुल देवी कुल देवता कौन है, ठीक है। चलिए, किसी केस में मान लेते हैं आपको नहीं पता है, तो अपने आप जो है पिताजी से पूछ लें या घर परिवार में पूछ लें। चलिए, आप किसी को भी नहीं पता है तो उसमें क्या करेंगे? उसमें आप ये करेंगे कि डेली जो मंत्र हम देंगे, उस मंत्र का एक माह तक आपने, जैसे कि दशांत आहुति आपने देनी है, दशांत हवन आपको डेली करना है एक माह तक, और संकल्प के साथ करना है कि हमारे जो भी कुल देवी कुल देवता हों वो हमें स्वप्न में या प्रत्यक्ष दर्शन दें और हमें बताएं कि आप कौन हैं। तो जब आप दशांत संकल्प में ये सब चीज़ें बोलकर और दशांत हवन आप डेली करेंगे, दशांत हवन, तो आप देखेंगे कि एक माह के अंदर अंदर ही आपके कुल देवी देवता आपको दर्शन अवश्य देंगे। अब वो हो सकता है कि चार दिन में दे दें, दस दिन में दे दें, वो अलग की बात है, लेकिन एक माह का एक समय होता है, उस समय के अंदर में आपको अवश्य मिलेगी। नियम से करेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी देखिए, नवरात्र चालू होने वाले हैं, तो नवरात्र में आप कर लें, बहुत अच्छा होगा। नवरात्र से दिवाली तक सब शुभ मुहूर्त ही मुहूर्त हैं, तो अगर इस बीच में आप करेंगे तो बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत जल्द आपका काम होगा। तो जो संकल्प की वीडियो है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे देंगे, आप उसे देख लें। मंत्र विधान भी आपको उसी में बता देंगे कि मंत्र विधान क्या है। तो आपको विधान भी आपको बता ही दिया गया है, विधान तो इसमें बता ही दिया, मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। विधान आपको इसी में बता दिया गया है कि आपको दशांत हवन करना है कुल देवी कुल देवता के नाम से, और मंत्र आपको दे देंगे, उसी मंत्र का आपको हवन करना है। संकल्प एक ही दिन लेना है, डेली नहीं लेना। एक दिन संकल्प आपने ले लिया 31 दिन का, अब आपको 31 दिन करना ही करना है, किसी भी परिस्थिति में करना है, ये जान लीजिए। करना है मतलब करना है, किसी भी परिस्थिति में करना है, तो इसे आप करें और लाभ उठाएं। चलता हूँ साधकों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।